YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। ईद के मौके पर दिल्ली में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के घर पर एक अद्भुत नजारा देखा। दिल्ली से एक तस्वीर आई और हरियाणा की सियासत में हलचल मच गई। हमारे इस रिपोर्ट में देखिए वो तस्वीर और उसके बाद की सियासी कहानी। ईद के मौके पर दिल्ली में बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन के घर पर ईद मनाई जा रही थी। मेहमान सेवैयों का स्वाद लेने पहुंच रहे थे। इन मेहमानों में देश और बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल रहे, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा मेहमान पहुंचा शायद जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मेहमान थे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा ने देश के गृह मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता राजनाथ सिंह के साथ बैठकर सेवैयों का स्वाद चखा, लेकिन सेवैयों के स्वाद लेती हुड्डा की तस्वीर जब सामने आई तो कईयों के मुंह का स्वाद बिगड़ गया। अब हरियाणा के नेता विपक्ष अभय सिंह चौटाला के बयान ने तस्वीर पर सियासत को तेज कर दिया है। भाजपा की बी टीम कौन सी है? भाजपा या कोई कमी रहेगी? कभी तो मोदी को अपने भतीजे के ब्याह में बुलाता है और कभी ईद पे उनके यहाँ चल करके जाता है। और बड़े मुझे लगता नहीं कि इसको लेंगे, कोशिश नहीं होगा जाने की। अगर ले लेंगे तो फिर भाजपा की तय नहीं भिद पिट जाएगी, फिर भाजपा के पल्ले की रह जाएगी। बीजेपी नेताओं के साथ हुड्डा की ये पहली तस्वीर नहीं है, शायद आखिरी भी ना हो। इससे पहले हुड्डा देश के पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके थे। उस वक्त भी सियासत का बाजार गर्मा गया था, लेकिन ताजी तस्वीर सामने आने के बाद तो हरियाणा कांग्रेस में हालत ये हो गई है कि खबरें अभी तक पर हरियाणा कांग्रेस के दो प्रवक्ता आपस में भिड़ गए। बाल मुकुंद शर्मा जी भी हमारे साथ, केवल डिंगरा साहब सुनिए एक बार के लिए। सर, आप बड़ी बात में उस दिन उपस्थित थे चर्चा में, जिस दिन कहा गया बाल मुकुंद शर्मा की ओर से कि दबाव अगर बनाया जाएगा तो हुड्डा साहब को निकाल दिया जाएगा। वो इसी स्टैंड पर कायम हैं कि अगर किसी भी बदलाव के मूड में होंगे हुड्डा साहब तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। बाल मुकुंद जी कौन से एआईसीसी के नेता लगे हुए हैं या एआईसीसी के हेड लगे हुए हैं जो कह देंगे वही हो जाएगा? बाल मुकुंद जी का अपना सिस्टम जो है उनको संभलता नहीं, उनको अपने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बाल मुकुंद जी को छोड़ दीजिए आप, मैं आपको ये कह रहा हूँ। बाल मुकुंद शर्मा जी छोड़ दीजिए, बाल मुकुंद जी को ये कह रहा हूँ मैं इनको। नहीं, इनका इनका, इनका, इनका कहना क्या, क्या इनके इनके कहने को गंभीरता से ना लिया जाए? बाल मुकुंद शर्मा जी मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है? बाल मुकुंद शर्मा जी बात नहीं है जो ये कह रहे हैं, आप कोई अथॉरिटी नहीं होते हैं इस तरह के बयान देने वाले। ये ढिंडा साहब को लगता है कि हुड्डा साहब दबाव बनाए या फिर बदलाव के मूड में हो, आप ये बात नहीं कह सकते कि पार्टी पर दबाव बनाने वाले को निकाल दिया जाएगा, आपके पास ये अधिकार नहीं है। आप ये बताइए ज्योति जी, आप भी लंबे समय से एंकरिंग कर रहे हैं, मैंने जो 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 मैंने वक्तव्य अपना टीवी पर दिया उसके बाद किसी भी पार्टी सत्र के प्लेटफॉर्म पे इसके खिलाफ कोई कंडम हुआ हो, प्रदेशाध्यक्ष तो ये पार्टी का स्टैंड है गया। ये ना केवल हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान लेवल पे मैंने आपको बात की है। हाँ। और जिन नेताओं के नाम गिनाए वो हिंदुस्तान है तुम्हारा बाल मुकुंद जी, एआईसीसी तय करती है सब कुछ, आप कौन हो ये बात कहने वाले? मैं डिंगड़ा जी को लाइन पर, डिंगड़ा जी को निकालने वाले कौन? डिंगड़ा निकालने वाले आप कौन हो ये बताओ? डिंगड़ा साहब मेरे को लाइन पर ले जी, डिंगड़ा जी को। अरे मैं कह रहा हूँ आप कैसे निकाल सकते हो भजन लाल को, बस्सी लाल को? आप बताइए, अरे कांग्रेस ने निकाला, कौन सी अथॉरिटी है ये बताओ आप पहले? कांग्रेस ने मैं नहीं कांग्रेस। आप कह रहे हो कि मैं अपने बयान पे कायम हूँ, तो कायम हो तो एआईसीसी में चिट्ठी भेजो ना कि मैंने बस्सी लाल को निकाल दिया, मैंने भजन लाल को निकाल दिया। अरे वो लोग तो आदरणीय होते हैं। आप कौन हो ये बताओ, आपकी क्या अथॉरिटी है पहले ये बताओ आप? ये आप कौन रुपया निकालने वाले किसी को? आज दिनांक 17 तारीख को मैं ये कह रहा हूँ अभी कि भाई अगर कह रहे हो आप अथॉरिटी क्या हो पहले ये बताओ, कहना बाद में आप। मैं हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर किसी को निकालने की बात नहीं कह रहा, निकालने की रखने की होती है क्या? सियासत में अलग अलग पार्टियों के नेताओं का एक दूसरे से मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ईद के पावन मौके पर शाहनवाज हुसैन के घर पर हुड्डा के पहुंचने के बाद जो हंगामा बरपा है ये शायद नई बात है। लेकिन अलग अलग नेता जो कयास लगा रहे हैं उनको भी खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सियासत संभावनाओं का खेल है। रोहतक से हर्षवर्धन शर्मा के साथ दुर्गेश पांडे, खबरें अभी तक।